इस वीडियो में हम जानेंगे दादा भगवान ऐप के मेन मेन्यू और फीचर्स के बारे में। मेन मेन्यू में है बुकमार्क, प्लेलिस्ट, वॉचलिस्ट, फेवरेट्स, डाउनलोड्स, हिस्ट्री, कनेक्ट विद ज्ञानी, लाइव वेबकास्ट, शेयर ऐप, थीम, रिपोर्ट एंड इश्यू, क्विक लिंक्स और सेटिंग्स। इनमें से कुछ फीचर्स को आप लॉगिन करने के बाद ही यूज कर सकते हैं। आइए मेन मेन्यू के ऑप्शंस को विस्तार से समझते हैं। लॉगिन साइन अप करने के लिए अपना ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर डाल के सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। दिए गए ईमेल या नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद अपना पूरा नाम लिखें। कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। बुकमार्क फीचर से आप वीडियो के कुछ हिस्से को सेव कर सकते हैं। इससे आपको दोबारा वो हिस्सा ढूंढना नहीं पड़ेगा और जब चाहें तब आसानी से देख सकेंगे। बुकमार्क करने के लिए स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेट करें और टाइटल देकर सेव करें। बुकमार्क किए गए सारे वीडियोस की लिस्ट आपको यहां मिल जाएगी जिन्हें एडिट या रिमूव कर सकते हैं। प्लेलिस्ट से ऐप में दिए ऑडियोस या वीडियोस का एक कलेक्शन बना सकते हैं। यह कलेक्शन आप टॉपिक वाइज, इवेंट वाइज, थीम वाइज या अपने प्रेफरेंस अनुसार बना सकते हैं। जैसे कि क्रोध नाम की प्लेलिस्ट बनाकर क्रोध टॉपिक से जुड़े सभी सत्संग आप इसमें सेव कर सकते हैं, अथवा सीमंधर स्वामी पद नाम की प्लेलिस्ट बनाकर स्वामी के सभी भक्ति पदों को उसमें सेव कर सकते हैं। आप ऐसी कई मल्टीपल प्लेलिस्ट बना सकते हैं। नई प्लेलिस्ट बनाने के लिए न्यू प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और टाइटल देकर सेव करें। प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए ऑडियो या वीडियो के नीचे दिए गए ऑप्शन प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। प्लेलिस्ट को एडिट या रिमूव करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वॉच लिस्ट में उन वीडियोस को ऐड करें जिन्हें आप बाद में देखना चाहते हैं। जैसे कि पारायण के किसी पार्ट को देखने का समय आपके पास ना हो तो उस पार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड करके समय मिलने पर उसे देख सकते हैं। वॉच लिस्ट को शेयर या रिमूव करने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। फेवरेट्स में अपने मनपसंद वीडियोस, ऑडियोस, ईबुक्स और मैगजीन्स को ऐड कर सकते हैं। इस फीचर से सारा फेवरेट मटेरियल एक क्लिक पर मिल जाएगा। आप इसे शेयर या रिमूव भी कर सकते हैं। डाउनलोड्स में आपको ऐप में डाउनलोडेड ऑडियोस, ईबुक्स और मैगजीन्स मिलेंगी जिन्हें इंटरनेट ना होने पर भी देख सकते हैं। इन्हें ऐप में से रिमूव या शेयर भी कर सकते हैं। हिस्ट्री में ऐप में देखे गए वीडियोस की लिस्ट मिलेगी। कनेक्ट विद ज्ञानी से आप दादा भगवान फाउंडेशन और पूज्य दीपक भाई से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहां आपको सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के पेजेस की लिंक्स मिलेंगी। लाइव वेबकास्ट में पूज्य दीपक भाई के लाइव प्रसारित होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी है जिसे शेयर भी कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड इश्यू से दादा भगवान ऐप के इश्यूज को रिपोर्ट कर सकते हैं। सेटिंग्स में कंटेंट लैंग्वेज ऑप्शन से आपको मटेरियल जिस भाषा में चाहिए उस हिसाब से भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। डाउनलोड लोकेशन से ऐप में डाउनलोड होने वाली फाइल्स की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि विद इन द ऐप के ऑप्शन द्वारा डाउनलोडेड फाइल्स ऐप के डाउनलोड सेक्शन में मिलेंगी और विद इन द फोन के ऑप्शन द्वारा डाउनलोडेड फाइल्स फोन के स्टोरेज में मिलेगी। अन्य मॉड्यूल्स और ऐप के फीचर्स की विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करें दादा भगवान फाउंडेशन की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो देर किस बात की, आज ही इंस्टॉल करें दादा भगवान ऐप। स्पिरिचुअलिटी एट योर फिंगर टिप्स।
जय सच्चिदानंद।